हेलो फ्रेंड्स, माय पीसी सपोर्ट चैनल में आपका वेलकम करता हूँ। आज मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा कि कैसे दो वाईफाई राउटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं लैन केबल के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास दो वाईफाई राउटर्स हैं। फर्स्ट राउटर है टीपीलिंक वाईफाई राउटर, इसको मैंने फर्स्ट फ्लोर पर सेटअप किया हुआ है। ये मेरा मेन राउटर है और इस वाईफाई राउटर से एक डेस्कटॉप कंप्यूटर कनेक्टेड है ब्लू लैन केबल के थ्रू। तो ये ब्लू लैन केबल इस फर्स्ट राउटर के लैन पोर्ट पे कनेक्टेड है और एक येलो लैन केबल कनेक्टेड है इस फर्स्ट राउटर के वैन पोर्ट में। एक्चुअली ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन की वायर है। और मेरे पास एक सेकेंड राउटर है डीलिंक वाईफाई राउटर, इसको मैं सेकेंड फ्लोर पर सेटअप करूँगा इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। तो इस वाईफाई राउटर को एज अ स्विच यूज़ करेंगे। तो इन दोनों वाईफाई राउटर को मैं एक ग्रे लैन केबल के थ्रू कनेक्ट करूँगा। एक्चुअली मैंने एक कैटसिस केबल फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक डाली हुई है। तो ये ग्रे लैन केबल फर्स्ट राउटर के लैन पोर्ट पे कनेक्टेड है और सेकंड राउटर के लैन पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो सेकंड राउटर को फर्स्ट राउटर से कनेक्ट करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने होते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड राउटर को सेम सीरीज़ का आईपी एड्रेस असाइन करना होता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट राउटर में मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 192.168.5.1, तो सेकेंड राउटर को मैं असाइन करूँगा 5.50। और इसके अलावा सेकेंड राउटर में डीएचसीपी सर्वर को डिसेबल करना होता है। तो इस पूरे नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर फर्स्ट राउटर का यूज़ करते हैं। तो जब भी कोई वाईफाई डिवाइस या लैपटॉप और डेस्कटॉप इस सेकेंड वाईफाई राउटर से कनेक्ट होता है तो उसको आईपी एड्रेस असाइन होता है इस फर्स्ट राउटर से। एक्चुअली डीएचसीपी एक सर्विस होती है जो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन करता है नेटवर्क डिवाइसेस को। तो सबसे पहले टीपी लिंक वाईफाई राउटर की सेटिंग चेक कर लेते हैं। तो ये मेरा कंप्यूटर है, इस फर्स्ट राउटर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका आईपी एड्रेस चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसको आईपी एड्रेस असाइन हुआ है 192.168.5.5 और ये है डिफ़ॉल्ट गेटवे 5.1। ये फर्स्ट राउटर का आईपी एड्रेस है और डीएचसीपी अनेबल्ड है, मींस इसको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन हुआ है फर्स्ट राउटर से। तो फर्स्ट राउटर के वेब पेज को लॉगिन कर लेते हैं। तो ये टीपी लिंक वाईफाई राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको डीएचसीपी सर्वर चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका आईपी एड्रेस है 192.168.5.1 और आप यहाँ पर देख सकते हैं डीएचसीपी सर्वर अनेबल है और ये इसकी रेंज है 5.2 से लेकर 5.254 तक, आप ये देख सकते हैं। और इसके अलावा फर्स्ट वाईफाई राउटर में वायरलेस नेटवर्क सेट किया हुआ है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये वाईफाई नेटवर्क नेम है माई पी सी सपोर्ट -1 और ये सिक्योरिटी है और ये है पासवर्ड। तो चलिए इन दोनों वाईफाई राउटर्स का मैं आपको फिजिकल व्यू दिखा देता हूँ। तो मेरे पास ये दो वाईफाई राउटर्स हैं। फर्स्ट राउटर है टीपी लिंक वाईफाई राउटर, ये मेरा मेन राउटर है और इसको मैंने फर्स्ट फ्लोर पे सेटअप किया हुआ है। और सेकंड वाईफाई राउटर है डी लिंक का, इसको मुझे सेकंड फ्लोर पे सेटअप करना है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको टीपी लिंक वाईफाई राउटर के कनेक्शंस दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, येलो लैन केबल कनेक्टेड है, ये वैन पोर्ट पे कनेक्टेड है, ये एक्चुअली ब्रॉडबैंड कनेक्शन की वायर है। और ये ब्लू लैन केबल है जो इस लैन पोर्ट पे कनेक्टेड है और इस ब्लू लैन केबल से मेरा डेस्कटॉप कंप्यूटर कनेक्टेड है और मैं इंटरनेट यूज़ करता हूँ। और ये है ग्रे लैन केबल जो लैन पोर्ट पे कनेक्टेड है, तो इस ग्रे लैन केबल से सेकेंड वाईफाई राउटर को कनेक्ट करेंगे। और इस ग्रे लैन केबल का जो दूसरा एंड है वो सेकेंड वाईफाई राउटर के लैन पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे।
और ये है डीलिंक वाईफाई राउटर। तो मैं आपको इसके पोर्ट्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए येलो पोर्ट है, ये एक्चुअली वैन पोर्ट होता है, और ये है लैन पोर्ट। तो ग्रे लैन केबल जो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक मैंने डाली है उसको इस लैन पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे। तो किसी भी लैन पोर्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं। और राउटर के बॉटम पे एक स्टिकर लगा होता है, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आईपी और क्रेडेंशियल मेंशन्ड होते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट आईपी है 192.168.0.1। तो इस आईपी एड्रेस से इस डीलिंक वाईफाई राउटर के वेब पेज को लॉगिन करेंगे, और यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड ब्लैंक। तो मैं क्या करता हूँ, इस लैन पोर्ट पे ब्लू लैन केबल को कनेक्ट करूँगा जो मेरे डेस्कटॉप कंप्यूटर से कनेक्टेड है, और इसके वेब पेज को लॉगिन करेंगे। तो ये है ब्लू लैन केबल, तो मैं इसको यहाँ से अनप्लग करता हूँ। और इसको कनेक्ट करते हैं डीलिंक वाईफाई राउटर के लैन पोर्ट पे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। तो मैंने इस डेस्कटॉप कंप्यूटर को इस सेकंड राउटर के लैन पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया है ब्लू लैन केबल के थ्रू। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको आईपी एड्रेस असाइन हुआ है 192.168.0.2, और ये है डिफ़ॉल्ट गेटवे 0.1। ये डीलिंक वाईफाई राउटर का डिफ़ॉल्ट आईपी है। इस आईपी एड्रेस से हम इसके वेब पेज को लॉगिन करेंगे, और इसको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन हुआ है डीएचसीपी सर्वर से। एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट वाईफाई राउटर्स में डीएचसीपी सर्वर अनेबल होता है। तो चलिए डीलिंक वाईफाई राउटर के वेब पेज को लॉगिन कर लेते हैं। तो ये इसका लॉगिन पेज है, और डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड ब्लैंक रहता है। तो इसको लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सेटअप में चलते हैं और लोकल नेटवर्क। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आईपी एड्रेस शो कर रहा है 0.1। तो यहाँ पर हमें आईपी एड्रेस चेंज करना होगा। तो हमें सेकेंड वाईफाई राउटर को आईपी एड्रेस असाइन करना है 192.168.5.50। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 5.50 और अप्लाई चेंजेस, ओके। तो ये वाईफाई राउटर रीस्टार्ट हो रहा है, और रीस्टार्ट होने के बाद इसका आईपी एड्रेस 5.50 हो जाएगा। तो वेट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका लॉगिन पेज आ गया है, और यहाँ पर देखिए ये आईपी एड्रेस चेंज हो गया है 5.50, पहले यहाँ पर 0.1 था। तो अगेन इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो अगेन यहाँ पर सेटअप में चलते हैं, लोकल नेटवर्क। आप यहाँ पर देख सकते हैं आईपी एड्रेस 5.50 और डीएचसीपी सर्वर अनेबल है, और ये डीएचसीपी सर्वर की रेंज है 5.2 से लेकर 5.254 तक। तो हमें इस वाईफाई राउटर में डीएचसीपी सर्वर को डिसेबल करना है, लेकिन इससे पहले वायरलेस सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर वायरलेस में चलते हैं, और यहाँ पर देखिए अनेबल SSID ब्रॉडकास्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल होता है। और यहाँ पर मैं वाईफाई नेटवर्क का नेम टाइप कर देता हूँ। माई पी सी सपोर्ट -2, इसको मैं सेकेंड फ्लोर पे सेटअप करूँगा। और यहाँ पर चैनल नंबर इसने ऑटोमेटिक 1 ले लिया है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जब मल्टीपल वाईफाई राउटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो चैनल नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए। तो मैं नॉर्मली 1, 6 और 11 रखता हूँ। तो मैं आपको फर्स्ट वाईफाई राउटर का चैनल नंबर चेक करा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चैनल नंबर 11 है फर्स्ट वाईफाई राउटर में। तो यहाँ पर चैनल नंबर 1 है जो डिफरेंट है फर्स्ट वाईफाई राउटर से। तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे।
और यहाँ पर सिक्योरिटी ऑप्शंस में मैं सेलेक्ट करूँगा WEP, और यहाँ पर मैं पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। अप्लाई, ओके, और लास्ट में हम इस डीलिंक वाईफाई राउटर के DHCP सर्वर को डिसेबल करेंगे। तो यहाँ पर सेटअप, लोकल नेटवर्क, यहाँ पर डाउन आएंगे और यहाँ पर DHCP मोड, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे नन, अप्लाई चेंजेस। तो ये डीलिंक वाईफाई राउटर एज ए स्विच कॉन्फ़िगर हो गया है और इसको सेकंड फ्लोर पे सेटअप कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस ग्रे लैन केबल को इस डीलिंक वाईफाई राउटर के लैन पोर्ट पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये है ग्रे लैन केबल जो मेरे फर्स्ट राउटर के लैन पोर्ट पे कनेक्टेड है, और इस ग्रे लैन केबल को मैं इस सेकेंड वाईफाई राउटर के लैन पोर्ट पे कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ उसको, ये देखिए। तो ये राउटर रेडी है और इसको हम एज ए स्विच यूज़ कर सकते हैं सेकेंड फ्लोर पे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और इंटरनेट चेक करते हैं। तो चलिए इंटरनेट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं गूगल की वेबसाइट को पिंग करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिप्लाई आ रहा है, मीन्स इंटरनेट कनेक्ट हो गया है। ये देखिए इंटरनेट वर्क कर रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो मेरे पास एक वाईफाई USB डोंगल है जो मैंने इस डेस्कटॉप कंप्यूटर में कनेक्ट किया हुआ है। तो वायरलेस इंटरनेट भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चेंज एडाप्टर सेटिंग्स, तो ये देखिए वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, लोकल एरिया कनेक्शन को डिसेबल कर देता हूँ और यहाँ पर आप ही देख सकते हैं दोनों वाईफाई नेटवर्क शो कर रहा है। माई PC सपोर्ट -2, ये सेकेंड फ्लोर का वाईफाई नेटवर्क, और माई PC सपोर्ट -1, फर्स्ट फ्लोर का वाईफाई नेटवर्क। तो माई PC सपोर्ट -2 से कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं पासवर्ड टाइप करता हूँ वाईफाई नेटवर्क का। तो आप ये देख सकते हैं ये माई PC सपोर्ट -2 मीन्स सेकेंड वाईफाई राउटर से कनेक्ट हो गया है। और इस वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन का मैं आपको IP एड्रेस चेक करा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं इसको IP एड्रेस असाइन हुआ है 192.168.5.2। ये IP एड्रेस इसको फर्स्ट राउटर से असाइन हुआ है क्योंकि फर्स्ट राउटर में DHCP सर्वर अनेबल है और सेकेंड राउटर में डिसेबल है, और ये फर्स्ट राउटर का IP एड्रेस है 5.1। और यहाँ पर देखिए रिप्लाई स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये ओपन हो गया फेसबुक पेज। तो इस तरीके से दो वाईफाई राउटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं लैन केबल के थ्रू। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। थैंक यू।